नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी सैमसंग के मोबाइल पर यदि आपका टच स्क्रीन काम नहीं करते तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपका जो यहाँ पर टच स्क्रीन का प्रॉब्लम है वो आप खुद से फिक्स कर सके। यदि आपका दोस्तों यहाँ पर टच स्क्रीन ख़राब है और दोस्तों यहाँ पर आप टच स्क्रीन के जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर टच स्क्रीन का जो प्रॉब्लम रहते हैं उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम रह सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इशू हो सकते हैं और यहाँ पर आपको हार्डवेयर इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, ठीक है, तो आपको सिंपली वीडियो पूरा देख लेना होगा ताकि दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो दोस्तों आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आइए हम वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यदि आपका जो है यहाँ पर टच स्क्रीन काम नहीं करते, ठीक है, यदि टच स्क्रीन काम नहीं करते तो आपको क्या क्या करना होगा, तो आप सबसे पहले तो दोस्तों मोबाइल को एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल को आप दोस्तों यहाँ पर रिस्टार्ट करके देखिए क्योंकि दोस्तों कभी कभी यहाँ पर जो हमारा फ़ोन है वो हैंग हो जाता है और टच स्क्रीन काम करना बंद कर जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका टच स्क्रीन इस वजह से भी काम नहीं करते जब आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। मोबाइल दोस्तों आपका यदि बहुत ही ज़्यादा ओवर हीटिंग होते तो भी दोस्तों आपको टच का प्रॉब्लम आ जाते है। और दोस्तों यदि आपका जो मोबाइल है उसमें फुल स्टोरेज का प्रॉब्लम है तो भी दोस्तों टच स्क्रीन में प्रॉब्लम आ जाते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो आप जो भी किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर टच करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों टच करते हैं तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो फटक से ओपन नहीं हो पाता है। तो उसी वजह से दोस्तों आपको यहाँ पर लगता है कि आपको टच स्क्रीन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है आपको रैम के वजह से आ सकते हैं। यदि आपका रैम फुल है तो भी दोस्तों आपको टच स्क्रीन का प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दोस्तों या तो फिर आपने यदि मोबाइल को कहीं वगैरह गिरा दिया है तो भी दोस्तों आपको टच स्क्रीन का प्रॉब्लम हो सकते, ठीक है। यदि आपका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा खराब है और यार फिर दोस्तों आपका टच कोई कोई जगह पे काम नहीं करते, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले दे देता हूं। और दोस्तों यहां पर यदि आपका डिस्प्ले क्रैक है तो उसका भी मैं आपको यहां पर टिप्स बता देता हूं, ठीक है। आप दोस्तों यहां पर यदि डिस्प्ले भी क्रैक है यार फिर आपका टच अच्छे से काम नहीं करते तो आप यहां पर जाइए सेटिंग पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर जो है नीचे आ जाना है, ठीक है, नीचे आपको मिलेगा एसेसिबिलिटी, यहाँ पर जाइए एसेसिबिलिटी पर। उसके बाद इंटरेक्शन एंड डेक्सटरिटी पर आप जाइए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट मेन्यू यूज़ करना होगा क्योंकि दोस्तों यदि आपका टच स्क्रीन अच्छे से काम नहीं करते तो आप असिस्टेंट मेन्यू दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, असिस्टेंट मेन्यू पे दोस्तों आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल तो मेरा जो बैकग्राउंड के वजह से अच्छे से यहाँ पर नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले तो बैकग्राउंड को सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मेरा जो यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट मेनू है मैंने उसको चालू कर दिया है। तो आप दोस्तों यहाँ से शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप क्या हो गया लॉक स्क्रीन, उसके बाद दोस्तों रिसेंट बटन, ठीक है, तो रिसेंट बटन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होम जाना है तो आप होम पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्टली स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो आप दोस्तों ये भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका अच्छे से टच काम नहीं करते सब जगह पर तो आप दोस्तों यहां से असिस्टेंट मेनू आपका असिस्टिव बॉल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपका काम यहां पर आसानी हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपका डिस्प्ले जो है वो ज़्यादा ही क्रैक है, यदि आपका डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है, यदि आपका टच दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले क्रैक होने से तो यहाँ पर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपका टच यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, क्रैक हुआ है तो आप उसको जाके बदलवा लीजिए क्योंकि दोस्तों यदि ज़्यादा क्रैक होने से आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा मोबाइल पर, ठीक है, तो आप चेंज जब कर लोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्क्रीन भी स्मूथ हो जाएगा और आपका टच का प्रॉब्लम भी चला जाएगा। तो यस, ये सॉल्यूशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, टच स्क्रीन बदलने से भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और यार फिर दोस्तों आप टेम्पोरेरी असिस्टिव बॉल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको कहीं भी लेके सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। और दोस्तों आपको दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर
यदि आपका दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए ठीक है आपका डिस्प्ले क्रैक नहीं है और फिर भी आपको ताज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ पर दोस्तों अपना मोबाइल को फैक्ट्री डेटा रिसेट कर सकते हैं या फिर आप दोस्तों टेक्नीशियन के पास जाके अपना फ़ोन को एक बार सॉफ्टवेयर कर लीजिएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर दोस्तों कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश होने की वजह से भी दोस्तों आपका ताज में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्रैश का इशू यदि है तो आप टेक्नीशियन के पास जाके फिक्स कर सकते हैं, यदि डिस्प्ले बहुत ज़्यादा क्रैक है बदलना है तो भी आप टेक्नीशियन के पास जाके फिक्स करवा सकते हैं। तो ये सब सॉल्यूशन दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शनल मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं सॉल्यूशंस। और दोस्तों यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट करके देखिए यदि डिस्प्ले में क्रैक नहीं है। ठीक है, यदि डिस्प्ले में ही क्रैक है और दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। यदि डिस्प्ले यहाँ पर दोस्तों अच्छे हैं तो आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारा सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर इश्यू और प्रॉब्लम यही और इसके कारण आपको रहता है। ठीक है, ताज का प्रॉब्लम, तो उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो आप फिक्स कर सकते हैं जब आप इस सारे प्रोसेस को फॉलोअप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर आप टेक्नीशियन के पास जाइए सबसे लास्ट में। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।